नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जिंदगी में हमेशा कहा जाता है कि कोई चीज जो किसी एक के लिए अच्छी होती है, दूसरे के लिए शायद कभी कभी परेशानी का सबब भी बनती है। बात अगर करें मौसम की, तो मौसम कुछ लोगों को जब भी बदलता है तो कुछ हमेशा ये कहते हैं कि बड़ा कमाल का मौसम है, और कुछ हमेशा उससे परेशान रहते हैं। बात करें अगर बारिश की, तो कल्पना कीजिए उनकी जो बाढ़ में फंसे हुए हैं, या उनकी जिनको लगता है कि बरसात का मौसम आते ही उन्हें स्वास्थ्य की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि बरसात का मौसम बीमारियों का मौसम है, क्योंकि ये मौसम आते ही डॉक्टरों के क्लिनिक के आगे लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। बरसात में मच्छरों का प्रकोप भी होता है, और भी न जाने कितनी तरह की बीमारियां होती हैं। और दूसरी तरफ बरसात इसलिए जरूरी है, और किस लिए जरूरी है ये हम सब जानते हैं। फसल के लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, तालाबों जलाशयों के लिए जरूरी है, जिंदगी के लिए जरूरी है। लेकिन हमारी जानकारी ही सिर्फ और सिर्फ हर मौसम में हमें उसका लुत्फ लेने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए एक संबल है, और बहुत जरूरी भी है। तो आज बहुत विस्तार से हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक शायर ने कहा है, दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता, दिल हो प्यासा तो पानी से गुजारा नहीं होता। बरसात में कैसे हम स्वस्थ रहें, आज विशेषज्ञों से समझेंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि बरसात के मौसम का अपना ही मजा है। फिल्मकारों में कई गीतों में इसका जिक्र किया है। बरसात के मौसम का इंतजार लगभग सभी को रहता है, इससे गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कई समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। सभी का मन करता है कि बारिश में भीगें, तरह तरह की चीजें खाएं, पकौड़े, चाट और न जाने क्या क्या। लेकिन ये सब करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं बरसात के मौसम में, और खास तौर पर कौन सी सावधानियां रखनी है अपने खाने, पानी और दूसरी चीजों से संबंधित, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव किया जाए। ये तमाम बातें आज हम विशेषज्ञों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि बरसात के मौसम में किस तरह के बदलाव होते हैं और क्या खतरे उत्पन्न होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। गर्मी के बाद बारिश का सभी इंतजार रहता है। बरसात का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन कई तरह के बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा देता है। बरसात के मौसम में जगह जगह पानी भर जाने के कारण मच्छर पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया के अधिक मामले सामने आते हैं। बरसात के मौसम में वातावरण में आर्द्रता या नमी का स्तर बढ़ जाता है, और कीटाणुओं के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति होती है, जिससे कई प्रकार की बीमारियों और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में जल दूषित होने के कारण पेट की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। डायरिया व हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है। इसके अलावा फ्लू या इन्फ्लुएंजा और वायरल फीवर के होने का खतरा भी होता है। आंखों में संक्रमण यानी कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकता है। यही नहीं, त्वचा की समस्याएं बढ़ जाती हैं, बाल झड़ने की समस्या सामने आती है, त्वचा में संक्रमण और त्वचा की कई समस्याएं भी होने लगती हैं। बरसात के मौसम में कोई भी बीमारी होने पर उसका सही इलाज करवाएं, जिससे स्थिति न बिगड़े और उस रोग को ठीक किया जा सके। साथ ही अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें और सावधानी बरतें, जिससे इस मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव हो सके और आप बरसात के मौसम में स्वस्थ रहें। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। आसमान में घुमड़ते बादल जब बिना बरसे ही चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी अपने ने मिलने आना था, उसका इंतजार था और बिना मिले ही चला गया। अब बात है बरसात की, बरसात हो या ना हो, लेकिन इस मौसम में किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, वो बरसात के दौरान भी हो सकती हैं या बरसात का मौसम, जैसा कि आजकल का मौसम है जो गर्म भी है, जो ह्यूमिड भी है, उमस भरा मौसम है, किस तरह की समस्याएं होंगी, बहुत विस्तार से डॉक्टर्स बताएंगे कि हमें क्या करना है। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हेड पल्मोनरी मेडिसिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर सुनील एम रहेजा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल, नमस्कार, डॉक्टर अर्चना सिंगल, प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, नमस्ते, एंड डॉक्टर वी के पॉल, हेड पीडियाट्रिक्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहें जिस मौसम के बारे में कवियों ने, शायरों ने इतना लिखा है कि इससे बेहतरीन तो मौसम नहीं होता, ग्रंथ लिखे गए, इतना कुछ हुआ, तो ये मौसम धीरे धीरे क्यों कहने लगे लोग कि बीमारियों का मौसम हो गया? अगर हम देखें, क्योंकि अर्बनाइजेशन है, डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है, कई बीमारियां हैं जो इस मौसम में यूनिक हैं या इस मौसम में ही पाई जाती हैं, और उसके दो या तीन कारण हैं। एक तो ये है कि इस मौसम में क्योंकि बरसात ज्यादा होती है, पानी में कंटामिनेशन हो सकता है, तो जो हम कहते हैं फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस जो हैं, जिसमें डायरिया है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, कॉलरा है, वो ज्यादा देखा जाता है। दूसरा है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, क्योंकि इस मौसम में पानी के कारण मच्छर ज्यादा होते हैं, घरों के पास पानी इकट्ठा होता है, और इस मौसम में फिर डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये भी ज़्यादा पाया जाता है। और दूसरा, इस मौसम में क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वायरल इन्फेक्शन हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, उसके केसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये तो इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। नॉन इन्फेक्शस जो कॉजेज हैं, जैसे एलर्जी की प्रॉब्लम है, दमे की शिकायत है, वो ह्यूमिडिटी के कारण भी ज़्यादा पाई जाती है। तो इस मौसम में कुछ हद तक डॉक्टर के पास जाने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर रहेजा, ये जो तमाम जिक्र डॉक्टर गुलेरिया ने किया, इतनी सारी बीमारियां हैं और इससे यही लगता है कि हर कदम पे सावधानी रखनी होगी, लेकिन वो लोग जो बारिश में भीगना चाहते हैं, बाहर का खाना भी खाना चाहते हैं, उनका दिल है कि मानता नहीं, तो दोनों का जो संतुलन है वो किस तरह बिठाया जाए, क्योंकि मजा भी लेना है बरसात के मौसम का, उसे तो नहीं छोड़ा जा सकता, और बीमारियों से भी बचना है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें स्वच्छता, सफाई का ध्यान रखें। जो भी आप खा पी रहे हैं वो साफ होना चाहिए, जो आप पानी पीते हैं वो साफ होना चाहिए, जो आप बाहर का खाना कटा हुआ जैसे फल सब्जियां हैं उनको अवॉइड करें, और जितनी चाट पकौड़ी ये सब चीजें हैं इनको अवॉइड करें, और इसके अलावा जो मच्छर पैदा होते हैं घर के आसपास, घर में थोड़ा सफाई रखेंगे, कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ये जो डेंगू और मलेरिया का मच्छर है ये हमारे घर के अंदर ताजे पानी के अंदर ही पैदा होते हैं। तो घर के अंदर, घर के आसपास, अपने कम्युनिटी में हर जगह सफाई का ध्यान रखें, और दूसरा है कि शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय स्किन की बीमारियां भी ज्यादा होती हैं, जिसमें कि पसीना आता है ज्यादा, ह्यूमिड होता है, तो फंगल इन्फेक्शन, दाद खाद खुजली हुई, फोड़े फुंसियां ये दिक होती हैं, सेलुलाइटिस, हेयर फॉल ज्यादा होता है, रेड आई जिसको कहते हैं कंजक्टिवाइटिस ज्यादा होता है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें तो आप ठीक। डॉक्टर रहेजा ने जो सारी बातें बताई हैं डॉक्टर अर्चना सिंगल, ये बहुत अच्छी सी लगती हैं कि कुछ नहीं करना है, सभी तरह से सावधानी रखें, लेकिन जो जायके की बात होती है या मन को मनाने की बात होती है वो जरा मुश्किल है। त्वचा से संबंधित ये समझना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम हो रही है, और ऑयली स्किन वालों को खास तौर पर कई तरह की दिक्कतें आती हैं, तो कौन सी समस्याएं हैं जो इस मौसम में बढ़ेंगी और वो लोग जिन्हें खास ख्याल रखने की जरूरत होगी? त्वचा की समस्याएं जैसे कि डॉक्टर रहेजा ने बताया काफी बढ़ जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो फंगस बैक्टीरिया सभी को पनपने का पूरा पूरा मौका मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत अच्छे से सफाई की जाए, और सफाई नहाने के बाद, साबुन से नहाने के बाद अच्छे से शरीर को सूखा करा जाए, सूती कपड़ा पहना जाए ताकि पसीना कम से कम आए, और अगर आए तो वो सोख जाए सूती कपड़े से, और अगर आप हमेशा एसी में नहीं बैठे हैं, क्योंकि अगर हम एसी में बैठे हैं तो ड्राइनेस बढ़ जाती है, उसकी वजह से समर्स में, गर्मियों में हमेशा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाने चाहिए, और क्रीम्स जो होती हैं विस्कस उनको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से फिर और त्वचा बंद हो जाती है और उसकी वजह से फिर से खुजली या इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है। जी डॉक्टर पॉल, बच्चों की बात करें तो बच्चों के दो दो तरह के अगर हम उनके समूह बना लें, एक तो वो जो नवजात हैं, छोटे हैं, जो घर में ही हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं, दोनों तरह के जो बच्चों के समूह हैं, क्या समस्याएं अलग अलग होती हैं इस मौसम में या किस तरह की समस्या? लगभग सेम समस्याएं होती हैं, और सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों में है वो है दस्त की बीमारी, जो इस मौसम में खासकर पनपती है, पानी दूषित हो रहा है और एक्सपोजर हो जाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बात करी डॉक्टर गुलेरिया ने, तो ये बच्चों में जो दस्त की बीमारी है ये एक भयानक बीमारी है, क्योंकि इससे आज भी हमारे देश में हर साल 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख बच्चों की मौत होती है, तो ये हमें किसी ना किसी तरीके से जरूर खत्म करना है, हमारे आसपास के देशों ने, सबने खत्म किया है, तो ये
बहुत एक मुद्दा है और सरकार के लिए मुद्दा है, देश के लिए मुद्दा है डॉक्टर, तो उसके ऊपर फोकस करना जी। ये जो आपने बात कही, यही तो ये पूछ लेते हैं आपसे, जो बच्चों में दस्त के बारे में जो आपने बात कही, ये ज्यादा समस्या दूषित पानी की वजह से ज्यादा होती है या खाने की वजह से होती है बच्चों में? खान पहले छह महीने तक अगर माँ का दूध मिल रहा है बच्चे को तो वो डायरिया से प्रोटेक्टेड होता है मोर और लेस। जो समस्या होती है वो खाना भी जो दूषित हो रहा है उससे भी होती है और पानी दूषित लेने से भी, दोनों वजह से होती है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये पानी में ही पनपते हैं, पानी से खुराक में आएंगे, खाने में आएंगे और फिर वो बच्चे तक पहुंचते हैं, तो दोनों बातें सही। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जब खाना पकेगा तो क्या पकने के दौरान, पकने के दौरान काफी कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा हाँ, लेकिन पका हुआ पड़ा रहा, मक्खियां ऊपर आ गई और फिर दूषित हो गया दूसरे दिन तक, तो फिर तो खराब हो गया या किसी ने गंदे हाथ डाल दिए तो खराब हो गया जी। डॉक्टर गुलेरिया, इस समय जो स्थिति है पूरे देश में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की स्थिति बनी है, कहीं बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं तो बाढ़ आ रही है, वहीं दिल्ली की अगर बात करें थोड़ी सी बारिश हुई और उसके बाद अब फिर गर्मी बढ़ रही है, दोनों स्थितियां जो है उसमें किस तरह का फर्क रहेगा, और वो जगह जहां बाढ़ आ गई है उसके आगे आने वाले खतरे, और अगर दूसरी जगह जहां पर कुछ बारिशें हो रही हैं और उसके बाद ह्यूमिडिटी का लेवल या गर्मी भी बढ़ गई, क्या फर्क होगा दोनों स्थितियों में? अगर हम उन जगह देखें जहां बारिश ज्यादा आ रही है तो वहां पे जो वाटर बोर्न डिजीज है, क्योंकि पानी उसमें ज्यादा है, वहां कलेक्शन ऑफ वाटर ज्यादा है, तो वहां पे जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा कि कंटामिनेटेड वाटर के कारण गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हेपेटाइटिस, इनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, हेपेटाइटिस ए के, और यहाँ पे जो मच्छर पनपने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम दिल्ली में देखें, अभी इतनी ज्यादा मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं हुई है, लेकिन देश के कई और हिस्से हैं जहाँ पे बारिश काफी हुई है, वाटर की स्टैग्नेशन है, वहां पे मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां जो हैं उनके पनपने के चांसेस ज्यादा हैं। दिल्ली में अभी इतनी बारिश नहीं हुई है लेकिन ह्यूमिडिटी ज्यादा है और इसके कारण स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, और हीट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जब टेम्परेचर एकदम ज्यादा हो जाता है तो क्रैम्प्स आना, हीट स्ट्रोक और हीट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा, उनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं जी। हमारे दर्शकों के ईमेल्स भी आने शुरू हो गए हैं। पप्पू हैं, पप्पू राजभर सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से, वो ये जानना चाहते हैं डॉक्टर रहेजा, इस प्रश्न का एक जो हिस्सा है वो डॉक्टर अर्चना सिंघल से मैं पूछूंगा, लेकिन अभी आप ये बताइए, वो ये कहते हैं कि हम लोग जब भी मौसम बदलता है तो बुखार हो जाता है, और इसके अलावा हम अपने घर के अलावा कहीं भी किसी और पानी में जब भी नहाते हैं तो बुखार हो जाता है, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं क्योंकि जो टेम्परेचर है तो नहाने से बुखार हो जाता है, ह्यूमिड भी है। अच्छा, और जो नहाने से क्या होता है, जो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है भीगने से, उससे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो पर्टिकुलरली छोटे बच्चे और जो बड़े व्यक्ति हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज है कि ठंड में अगर आप नहा के अंदर आते हैं घर के, तो आपको तुरंत चाहिए कि अपने आप को एकदम ड्राई कर लें स्वच्छ जल से नहाने के बाद, और सूती कपड़े डाल के आराम, ज्यादा देर तक शरीर को गीला ना, ज्यादा देर तक गीला। डॉक्टर अर्चना सिंघल, इनका जो प्रश्न है उसमें एक हिस्सा इस बात को लेकर है कि इस मौसम में बाल झड़ने लगते हैं, जो आपने भी कहा था। अब ये बताइए, बारिश के पानी में अक्सर ये कहा जाता है ये कि पहली बारिश में नहा लीजिए तो नहाने से फोड़े फुंसियां दूर हो जाती है। आम और फलों का मौसम भी होता है, बच्चों में ये समस्या आम होती है, घमौरियां बहुत होती हैं, तो बारिश में नहाइए तो घमौरियां भी ठीक हो जाएंगी, फोड़े फुंसी भी ठीक हो जाएंगे, तो ये क्या कुछ इसका रिश्ता है आपस में, और बाल क्यों झड़ते हैं? बाल झड़ते हैं, बाल सडनली बारिश के आने से नहीं झड़ते हैं, लेकिन बारिश के मौसम से पहले दो तीन महीने का मौसम जो है वो बहुत गर्म होता है और वो पूरे शरीर के लिए काफ़ी कष्टदायक और एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, तो वो स्ट्रेसफुल होता है बालों के लिए भी। तो बाल किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो ग्रो हो रहे हैं वो एक गिरने वाली स्थिति में आ जाते हैं, तीन महीने तक रहते हैं उसमें, लेकिन अक्सर ये टाइम बहुत कॉन्साइड करता है कि पहले बहुत ज़्यादा गर्मी हुई और बारिश के आने में अक्सर दो या तीन महीने का समय रहता है, तो ऐसा लगता है कि बारिश के होते ही बाल झड़ने लग गए हैं। तो शैम्पू बदलने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, ये मान के चलें कि ये तो साइकिल है, चक्र है, ये आएगा जाएगा, सुख दुख की तरह आता जाता और है। जैसा कि आपने घुमोरियों का कहा, वो गर्मी की वजह से हो जाती हैं घुमोरियां, और जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो ऐसा लगता है कि घुमोरियां ठीक हो रही हैं। बारिश में नहाने से फायदा होता है क्या? क्योंकि ठंडक आ जाती है और आप नहा रहे हैं रेगुलरली, क्योंकि आप रोज तो ये भी नहीं इंश्योर कर सकते कि वो नहा भी रहे हैं या नहीं, तो बारिश में तो नहा ही रहे हैं। और फोड़े फुंसी इसलिए ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि जब आप नहा रहे हैं
और लेकिन आप स्वच्छ पानी में नहीं रह रहे हैं, बारिश का पानी स्वच्छ नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया शरीर पर आते हैं। शुरू शुरू की बारिश की, पहली बारिश के लिए मना करते हैं, उसके बाद तो नहा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बारिश में नहाने के बाद आप घर में आके स्वच्छ जल से नहाएं और अपने आप को ड्राई करके साफ कपड़े। यही एक मौसम है, देश के जाने माने शायर हैं गुलजार साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि यही एक मौसम है जो आप महसूस करते हैं आपकी त्वचा पर, आप बारिश गिरती है उस तरह से कोई और मौसम आप महसूस नहीं करते। सुधीर हैं दिल्ली से हमारे एक दर्शक टेलीफोन लाइन पर बहुत देर से। सुधीर जी क्या जानना चाहते हैं बताइए। मैं जानना चाह रहा था कि लाइक इन मेट्रो सिटीज में पोल्यूशन बहुत ज्यादा लेवल बढ़ रहा है जी, तो पोल्यूशन बढ़ने के कारण काफी आंखों में जलन होना, गले में खराश एंड अस्थमेटिक प्रॉब्लम, तो व्हाट वी शुड टेक मेजर्स अबाउट दिस एंड पोल्यूशन रिगार्डिंग एंड दिल्ली जी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो ये कह रहे हैं, उनका ये पूछना है कि पोल्यूशन लेवल दिल्ली में बढ़ रहा है। पोल्यूशन तो हर मतलब थ्रू आउट द ईयर वाली प्रॉब्लम है। पोल्यूशन लेवल थोड़ा सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है जिसको हम स्मॉग कहते हैं। बरसात के मौसम में दिल्ली में पोल्यूशन तो वैसे लेवल ज़्यादा है, वो एक अपने में एक फैक्ट है, लेकिन बरसात के मौसम में ये है कि पोल्यूशन लेवल रिलेटिवली थोड़े कम होते हैं, क्योंकि भीगने से बरसात से जो डस्ट है जो जिससे पोल्यूशन होता है वो थोड़ा सेटल हो जाता है, तो पोल्यूशन रिलेटिव प्रॉब्लम्स रिलेटिवली कम होती हैं। लेकिन ओवरऑल पोल्यूशन इज स्टिल वेरी हाई इन दिल्ली, और वो विंटर मंथ्स में जब इन्वर्शन होता है, ठंडी हवा नीचे रह जाती है, उठती नहीं है, हीट से जो है पोल्यूटेंट्स जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं और ग्राउंड लेवल पे नहीं रहते। ये एक ऐसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या है जिस पर लगता है कि इस कार्यक्रम में विस्तार से बहुत लंबी चर्चा होनी चाहिए बहुत जल्द। डॉक्टर रहेजा एक बात अब हम चर्चा में जरूर लाना चाहेंगे, बहुत से दर्शक हमारे इंतजार कर रहे होंगे। इस मौसम में जैसा आपने जिक्र किया था मच्छर बहुत हो जाते हैं, तो मच्छरों से सब डरते हैं इस मौसम में, मच्छर कहीं दिख जाए तो या मलेरिया करेगा या डेंगू करेगा, मच्छर ने काट लिया तो टेंशन रहती है अगले 3-4 दिनों तक। क्या लक्षण होते हैं, कौन सा मच्छर काटेगा, कैसे बचेंगे, जरा सा थोड़ा सा लक्षण तो बताइए इनके। देखिए इस मौसम में जो कॉमनेस्ट है वो है डेंगू फीवर, मलेरिया, चिकनगुनिया। जो डेंगू का मच्छर है एडिस एजिप्टाई, इसको हम टाइगर मॉस्किटो कहते हैं, दिन में काटता है, सुबह शाम अधिक काटता है, बार बार काटता है, और बेसिकली ह्यूमन टू ह्यूमन ये वायरस को स्प्रेड करता है, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। इसमें जो लक्षण होते हैं, सिर में दर्द होना, आंखें घुमाने पर दर्द होना, तेज़ बुखार आना, ठंड लगना, उल्टी होना, ये एक सिंपल डेंगू फीवर है जो कि नॉर्मली 5 दिन में या 7 दिन में ठीक हो जाता है। और इसमें घबराने की बात नहीं है, 90% से अधिक सिंपल डेंगू फीवर ही होता है। कुछ एक इसके सीरियस फॉर्म है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें कि चकत्ते निकलना, गम में से मुंह में से खून का आना, नाक में से खून का आना, जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उसके लिए हमें तुरंत चाहिए, जो कि 4 या 5 दिन के बाद लक्षण आते हैं, उसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, नियरेस्ट मेडिकल सेंटर जाके इसका इलाज कराना चाहिए। इसकी और एक सीरियस फॉर्म है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें कि ब्लड प्रेशर कम होना, बिल्कुल कैपिलरी लीकेज हो जाता है और पेशेंट शॉक में चला जाता है, उसकी हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, 4-5 दिन की जो बात कही ये महत्वपूर्ण है, यानी जब बुखार उतर जाएगा लोग समझेंगे कि मरीज ठीक हो गया है, गड़बड़ तभी शुरू होती है। उसी समय एक रिएक्शन होती है बॉडी में जिसकी वजह से कि इम्यूनिटी की वजह से ऑटोइम्यून जो होता है ना उसमें, उसकी वजह से होता है कि जो प्लेटलेट्स काउंट्स है वो कम होने शुरू हो जाएंगे और बीपी लो होना शुरू हो जाएगा। दैट इज ए स्टेज जब आपको चक्कर आए, घबराहट हो, पसीने आए, और ज़्यादा जैसे कहते हैं ना सांस फूलना, उल्टी ज़्यादा होना और गफलत में जाना, ऐसी स्टेज अगर लगती है तो आपको तुरंत डॉक्टर को पास जाना है। सबसे ज़रूरी बात है कोई भी बुखार हो इस मौसम में आपको डे 1 से हाइड्रेशन मेंटेन करना है, तरल पदार्थ, पानी अधिक लेना है, ORS, नींबू पानी, शिकंजी, लस्सी, नारियल पानी, जितना तरल लेंगे शुरू से उतना अच्छा है। और कुछ एक दवाइयाँ जैसे कि एस्पिरिन, ब्रूफ, इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, इसको अवॉइड करें। मलेरिया के लक्षण दूसरे हैं, उसमें 2 टाइप का मलेरिया होता है भारत में, फैल्सीपैरम और वाइवैक्स, जिसमें कि एक दिन छोड़ के बुखार आएगा, तेज़ बुखार आएगा, ठंड लगेगा, राइगर्स होंगे, उसके बाद पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाएगा, सिंपल ब्लड टेस्ट करने से डॉक्टर बता सकता है। तीसरा है चिकनगुनिया, जिसमें कि जोड़ों में अधिक दर्द होता है, लक्षण सेम होते हैं, रैश निकलना, डेंगू की तरह, लेकिन इसमें जोड़ों में दर्द अधिक होता है, जिसको कहते हैं बेंडिंग फॉरवर्ड, चिकनगुनिया का मतलब है बेंडिंग फॉरवर्ड, तो उसमें ध्यान रखना। डॉक्टर पॉल, अगर यही समस्या बच्चों में होती है, डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया में से कुछ बच्चे को हो रहा है, लक्षण डॉक्टर रहेजा ने बताए हैं,
क्या कुछ स्थिति अलग होगी वहाँ पर, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी भी कमज़ोर है और थोड़े से सॉफ्ट भी हैं, तो क्या उसके अंदर जो टाइम है रिस्पॉन्डिंग टाइम वो क्विक होना चाहिए या क्या कुछ और लक्षण उसमें हो सकते हैं? बच्चों में लगभग यही लक्षण होते हैं जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और आपने भी ठीक कहा कि क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, बहुत सारे बच्चे हमारे देश में अंडर नरिश्ड भी होते हैं, तो हमें ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और जब एक सीरियसनेस बढ़ेगी, शॉक की तरफ जाएंगे, तो उनकी जो उनका जो समाधान है वो और भी मुश्किल है। तो उनमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत है। लेकिन जैसे पहले कहा गया कि आमतौर पर ये जो बीमारियाँ हैं, डेंगू है या चिकनगुनिया, ये अपने आप ही सहज हो जाती हैं, किसी किसी में जाके ही कॉम्प्लिकेशन होती है और वो भी हमें याद रखना है। जी, ऐसे में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हमने देखा पिछले कई सालों में एपिसोड्स हुए जिसके अंदर जैसे ही व्यक्ति को पता चलता है कि उसको डेंगू फीवर हो गया है तो अस्पतालों के बाहर लाइनें लग जाती हैं, प्लेटलेट्स चढ़वा दीजिए, जिससे डॉक्टर्स भी परेशान होते हैं और जो एक्चुअल पेशेंट जिसको रिक्वायरमेंट है उनके लिए भी दिक्कतें आती हैं। तो कौन सी स्थिति वहाँ पर ध्यान रखनी होगी, क्योंकि जहाँ पर पेशेंट लोड इंक्रीज होता है तो जिसे सर्विस मिलनी चाहिए वहाँ नहीं मिल पाती? आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मोर देन 90% ऑफ पेशेंट जिनको डेंगू होता है वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें वार्निंग साइंस होते हैं, जिनको देख के हम ये कह सकते हैं कि इनके ज़्यादा चांसेस हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर जाने के लिए। अगर बुखार है और बुखार के बाद पेट में दर्द होने लगे, नौजिया वॉमिटिंग हो, बच्चा है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सुस्त हो गया है, फीड नहीं ले रहा है, या कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो गई, सांस की तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, या फिर एकदम ब्लड प्रेशर कम हो गया, ये सारे साइंस हैं, वार्निंग साइंस, जो ये हमें कहते हैं कि ये जो पेशेंट है इसका जो डेंगू है वो ज़्यादा सीरियस है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो पीरियड है ये यूजली 4th-5th डे पे ही आता है, जब बुखार ठीक हो रहा होता है तो ये एक क्रिटिकल फेज़ होता है। जो फेज़ वन होता है वो फीवर वाला होता है, जो फेज़ टू है, जो क्रिटिकल फेज़ है, जो ऑलमोस्ट 48-72 hours के लिए होता है, इसमें जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एकदम आपका प्लेटलेट कम हो जाएगा, आपका प्लाज्मा लीकेज होगा, सांस की तकलीफ हो जाएगी, और यहाँ पे क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और उसके बाद रिकवरी हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर आपके प्लेटलेट थोड़े कम भी हो गए, कई वायरल फीवर्स हैं जिसमें प्लेटलेट थोड़े से कम हो जाते हैं, उसमें कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। डेंगू में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है शॉक सिंड्रोम की, जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पर्सन शॉक में चला जाता है। जो लो प्लेटलेट्स हैं, चाहे प्लेटलेट 40,000 तक भी हो जाएं, 20,000 भी हो जाएं, यूजली इट इज़ नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर को डिसाइड करने चाहिए कि प्लेटलेट्स चढ़ाने हैं या नहीं। खुद कई दफ़ा वो पेशेंट्स ये देखते हैं कि हमारे 1.5 lakh थे प्लेटलेट, अब 1 lakh हो गए, तो वो सोचते हैं कल 50 हो जाएंगे और उसके बाद 0 हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, पैनिक की जरूरत नहीं है। और डेंगू यूजली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है जिसके लिए सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डॉक्टर पॉल, बच्चों की अगर बात करें, ये जो तमाम मामले होते हैं, अब ये तो बहुत हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि डेंगू है, मलेरिया है, क्या है, लेकिन बच्चों के साथ अक्सर ये होता है बुखार हुआ, 2-3 दिन तक माँ बाप ने देखा, पता ही नहीं चलता, फिर इस मौसम में अक्सर कहा जाता है वायरल फीवर है। अब वो टाइफॉइड है, मलेरिया है, क्या है, माँ बाप को क्या करना चाहिए अगर किसी बच्चे को बुखार आता है? क्योंकि अमूमन ये भी देखा जाता है कि बच्चे की अटेंडेंस कम ना हो तो थोड़े बहुत बुखार में उसे दवाई वाई खिला के स्कूल भी भेजा जाता है, क्या है ये मामला पूरा? सबसे पहले तो ये याद रहे कि जब हम देखते हैं कि बच्चों को बुखार आ रहा है, शुरू हुआ है, कुछ दिन चल रहा है, ये 95% ऑफ द टाइम वायरल फीवर ही होगा, सेल्फ लिमिटिंग होगा, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। कई बार मामूली जुकाम खांसी होता है, कई बार मामूली डायरिया होता है, उसकी बात भी करेंगे। तो जब 9 में से 10 तो लगभग वायरल फीवर ही होंगे और कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन कौन सा फीवर जो है वो मलेरिया है या टाइफाइड है, ये शुरू में कहना मुश्किल है। माफ कीजिए, रोकूंगा आपको। दर्शकों के लिए कभी कभी ऐसा लगता है, हमको भी ऐसा ही लगता था, सबको लगता है जैसे डेंगू या मलेरिया होता है उसी तरह वायरल होता है, तो वायरल भी जैसे कोई एक ही चीज है। जरा ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि वायरस चूंकि कई प्रकार के होते हैं इसलिए बुखार कई तरह के वायरस, थोड़ा सा स्पष्ट कर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब हम वायरल फीवर की जनरल बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि ये रेस्पिरेटरी वायरसेस है, खांसी हुआ मामूली, बुखार हुआ, 3-4 दिन में सेटल हो गया, मामूली गले में खराश वगैरह हुई है या नाक बहना शुरू हो गया, इसको हम जनरली वायरल फीवर कहते हैं। बाकी बीमारियां भी वायरल है, लेकिन वायरल यूजली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या माइल्ड डायरिया जैसे मैं कहा। लेकिन कुछ लक्षण हमें बता देते हैं कि ये अलग बीमारी है।
जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर चिकनगुनिया है तो जोड़ों में दर्द जो है वो स्पष्ट करती है इसको, अगर मलेरिया है तो ठंड से बुखार चढ़ेगा आमतौर पर, बच्चों में शायद ये कम होता है लेकिन फिर भी अगर वो लक्षण दिखाई देता है तो हमारे जहन में आएगा कि भाई ये तो मलेरिया के ज़्यादा चांस हो गए हैं। लेकिन जो बाकी बुखार है वो वक्त ही बताता है, जैसे टाइफाइड की बात करते हैं शुरू में एक लगभग वायरल जैसा ही दिखाई देता है, फिर वो प्रोसेस करता है आगे जाता है। तो एक डिक्टम ये है कि जब हम एक बच्चे को बुखार के साथ हम देखते हैं तो हम ये सोचें कि क्या ये चिकनगुनिया या कि मलेरिया इनमें फिट होता है या कि उसमें जॉन्डिस है तो हेपेटाइटिस में फिट होता है, तो जो रह गया वो आमतौर पर कहेंगे वायरल फीवर है। लेकिन जब वो परसिस्ट करे 4-5 दिन से आगे जा रहा है फिर बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेके बच्चे की जांच होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। बच्चों में एक और भी याद रहना चाहिए कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी इन्फेक्शंस होती हैं जो कि वो इन्फेक्शन हो रही है अपने पैसेजेस में, पेशाब के पैसेजेस में, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि उस तरफ रूल आउट करें और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसका समाधान करें। जी डॉक्टर अर्चना सिंगल, इस मौसम में अलग अलग तरह की सभी की स्किन है तो उनकी समस्याएं भी कुछ कुछ अलग होती हैं। किसी को बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, कुछ लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, बॉडी ओडर है, कुछ लोग शूज़ पहनते हैं तो उसके बाद जब वो शूज़ खोल देते हैं तो पूरा घर जो है वो उनको सभी को समस्या होती है आसपास के लोगों को। तो किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज किया जाए और जो अलग अलग स्किन टाइप है, कुछ लोग कहते हैं ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, उनकी देखभाल क्या कुछ अलग तरीके से होगी? पसीना ज़्यादा आता है गर्मियों में और कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जैसे कि बाजू के नीचे और जांघों में और जूते पैरों में जहाँ पर आप ढक कर रखते हैं उनको, और आजकल टाइट कपड़े पहनने का बहुत चलन है जैसे कि जीन्स, जहाँ से बिल्कुल हवा का बिल्कुल आना जाना बंद होता है उन जगहों पर जब पसीना आता है और हमें थोड़ी समय के लिए रहता है तो उसमें बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं और जो बदबू है वो उसकी वजह से होती है। तो ये बहुत ध्यान रखें कि कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करें, कपड़ों को हर रोज़ बदला जाए, अगर आपके शूज़ में बहुत बदबू है तो थोड़ी देर उसको धूप में रखा जाए, उसमें एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर्स हैं वो लगाए जाएँ, और सॉक्स जो है वो हर रोज चेंज करें। सॉक्स जो है वो 7वें दिन चेंज करने से काम नहीं चलेगा, हर रोज चेंज होना चाहिए। और जो आपने बताया कि ड्राई और ऑयली स्किन का है, अगर कुछ लोगों की स्किन जो है वो ज्यादा ऑयली है तो वो सिर्फ फेस पे ज्यादा आपको पता चलता है और उसकी वजह से साथ में कुछ और लक्षण भी होते हैं जैसे डैंड्रफ का ज्यादा होना और नाक के आसपास इस जगहों पर कुछ जम जाना, तो इस स्थिति में उनको 2 या 3 बार अपना चेहरा जो है वो धोना चाहिए और नहाने वाले साबुन से ही धोना चाहिए। आजकल मोस्टली जो क्लिंजर्स हैं वो सिंडेट्स होती हैं जो कि आपकी त्वचा के जो लिपिड्स हैं उनको लेकर नहीं जाती हैं ज़्यादा, लेकिन जो बहुत सस्ती वाली साबुनें होती हैं उनमें कुछ इस तरीके के हार्श तरीके के मटेरियल होते हैं जो आपके स्किन के लिपिड्स जो कि आपको नमी देते हैं उनको निकाल देते हैं। आपने कहा ड्राई स्किन, ड्राई स्किन यूजली इस मौसम में उन्हीं की होती है जो हमेशा एसी में बैठे रहते हैं ज़्यादा समय के लिए, और उनको उनके लिए 45 डिग्री और 27 डिग्री जो है वो 27 डिग्री वाला ही टेम्परेचर ज़्यादा समय के लिए रहते हैं, उन लोगों को मॉइस्चराइजिंग लोशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं कह रही हूँ कि अगर समर्स में है तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल ना करें जी, मॉइस्चराइजिंग वाटर बेस्ड लोशंस का इस्तेमाल करें अगर ज़रूरत है, और वो करना भी हमेशा नमी जब त्वचा में होती है नहाने के तुरंत बाद पहुंचने के बाद जब थोड़ी नमी होती है तभी आपको लगाना चाहिए। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, रवि जी हैं हमारे साथ ग्वालियर से। रवि जी स्वागत है आपका। हाँ मैम, ये बोलना था कि जैसे अपन बरसात में नहाते हैं ना जी, बरसात में भी नहाते हैं जी, बताइए। और थोड़ा रैशेस हो जाता है और उससे खुजली जलन होती है तो उसके लिए मैम क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर अर्चना सिंगल, जब बरसात के पानी में आप नहा रहे हैं जैसे कि बताया कि वो कंटामिनेटेड भी होता है तो उसके बाद स्वच्छ पानी से नहाना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि स्विमिंग करने के लिए भी बच्चे जाते हैं उसमें क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है वो भी स्किन को ड्राई करती है, तो उसके बाद स्वच्छ पानी से नहाना बहुत ज़रूरी है, साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा और फिर बहुत ज़्यादा रगड़ के पोंछते हैं तो, और फिर उसके ऊपर कोई ना कोई मेडिकेटेड सोप का इस्तेमाल करते हैं वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे जो स्किन पर नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जो कि दूसरे
इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड सोप का इस्तेमाल करते हैं तो जो वो नॉर्मल फ्लोरा है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है हमें बाकी इन्फेक्शन से, वो फ्लोरा भी खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब बरसात शुरू होती है ना, शुरू में जो पॉल्यूटेंट्स है वो साथ में आते हैं पानी के, तो जब बरसात मतलब पहली दूसरी बरसात तक नहीं, शुरू में जैसी बरसात शुरू होती है पहले 5 या 10 मिनट के बाद आप नहाने जाएंगे तो उसके बाद जो पानी आ रहा है वो जब भी बारिश हो शुरू में 5 मिनट लेट द पॉल्यूटेंट सेटल डाउन जी विद द फर्स्ट शावर देन यू टेक बाथ। डॉक्टर अर्चना सिंगल, दो तीन छोटे छोटे सवाल और लोगों के मन में ये प्रश्न, ये जो कंटामिनेटेड वाटर को लेकर जो बात थी, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि जब रुके हुए पानी में कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है, बच्चे नहाते हैं, वो तो बात समझ में आती है कि वहाँ पानी दूषित है, लेकिन क्या घर में भी जो पानी आ रहा है क्या उसके भी दूषित होने के चांसेस हो सकते हैं, संभावना हो सकती है, और अगर हो सकती है क्या बचाव रखना है? एक पहले तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि दूषित है या नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पानी के जो पाइप्स हैं वो भी साथ हैं और जहाँ से वेस्ट जा रहा है वो भी साथ है। अच्छा। तो दूषित कहाँ से आएगा ये तो कोई भी अनुमान लगा सकता है, और आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए कहना। दूसरा, आपने कहा था कि चेहरे के, आपने लिपिड्स की बात की थी कि जो हार्श जो इस तरह के साबुन होते हैं, मेडिकेटेड साबुन का आपने बार बार जिक्र किया, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा क्योंकि बहुत विज्ञापन, हम किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेते कार्यक्रम में, लेकिन विज्ञापनों में बहुत ऐसे साबुन दिखाए जाते हैं जो कीटाणुओं का सत्यानाश कर देते हैं, नाश कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, तो साबुन कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए ये भी लोगों को बता दीजिए। ये नहीं करना वो तो ठीक है, लेकिन क्या करना है वो, और फेस वॉश या कोई आम साबुन क्या करें? देखिए ये सब अपने पॉकेट की भी बात है। जो आजकल सिंडेड बार्स आती हैं या क्लिंजर्स आते हैं जो कि लिक्विड वॉशेज होते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लिक्विड फेस वॉश होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं, बट उनसे बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होता है। आपकी त्वचा साफ करना है, वो क्लिंजिंग मटीरियल हर साबुन में पाया जाता है, वो सभी साबुन में पाया जाता है। अच्छा, तो बहुत जरूरी नहीं कि आप एक अगर आप 200 रुपए का साबुन खरीदेंगे और अगर आप 30 रुपए का मॉडल जैसा हो जाएगा जो उसमें दिखाई देता है, वो नहीं होता है। अच्छा। वो बिल्कुल नहीं होता है जी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, दो बातें, एक तो पहली जरूरी बात यह है कि डॉक्टर अर्चना सिंघल ने कहा कि एसी में जो लोग बहुत देर तक रहते हैं उनकी त्वचा जो है वो सूखी हो जाती है, शुष्क हो जाती है। एसी में न रहने से कोई लाभ होता है और एसी में रहने से कोई नुकसान होता है, थोड़ा सा तो वो बता दीजिए हमको पहले। एसी में रहने से नुकसान दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो एक क्लोज एनवायरनमेंट है और एसी में अगर आपका फिल्टर साफ नहीं है तो उसमें आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा डर्ट डस्ट इकट्ठा हो जाता है। कई लोगों को जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है वो एसी वैसे क्लोज एनवायरनमेंट में रहने से वो बढ़ सकती हैं, जैसे दमे की शिकायत है, ब्रोंकाइटिस है, तो वो आपको अपना एसी वाला एनवायरनमेंट, क्योंकि एसी का एक क्लोज एनवायरनमेंट है उसमें सर्कुलेशन नहीं है एयर की, तो उसमें चांसेस ऑफ रेस्पिरेटरी, और जिनके घर दफ्तर अगर कारपेटेड है उनको भी यही प्रॉब्लम। बिल्कुल, अगर आपके रूम बंद है उसमें कारपेट है, अगर रूम बंद है वहाँ पे बारिश के कारण कहीं सीलन है, वहाँ पे फंगस की ग्रोथ हो गई है, तो फंगल एलर्जन के कारण आपकी जो एलर्जी वाली प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ सकती हैं। कई लोग जो है उनके ऑफिस बेसमेंट में हैं, बारिश हो रही है तो बेसमेंट की जो दीवार है वो सिल जाती है, उसमें फिर फंगस की ग्रोथ के कारण उनको सांस की तकलीफ और ब्रीदिंग डिफिकल्टी, एलर्जीज हो जाती हैं। तो अंदर रहने से कुछ हद तक तो नुकसान है क्योंकि आपका एनवायरनमेंट जो है वो क्लोज्ड है और उसमें कई मौसम के कारण कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जी। डॉक्टर पॉल, डायरिया की समस्या बच्चों में बहुत ही आम है, वहाँ पर उसको डिहाइड्रेशन की स्टेज से बचाने के लिए किस तरह का मैनेजमेंट करना होगा और किन बातों का ध्यान रखना होगा? डायरिया जैसे कहा गया पहले एक इम्पॉर्टेंट वजह है आज भी देश में जो हमारे बच्चों की मौतें हो रही हैं। उसके अलावा बहुत सारे डायरिया जो है वो मौत तक नहीं लेके जाते लेकिन एक सीरियस समस्या आप माना जाएगा, और इसको बच्चों को इन चीज़ों से बचाना, बचाव की बातें हो गई हैं, और अगर हो जाए तो उसका सबसे पहले ये ख्याल रखना कि डायरिया जो है वो डिहाइड्रेशन तक नहीं पहुँचे। तो जब डायरिया शुरू हो जी तो सबसे पहले 4 प्रिंसिपल मैं कहूँगा और उसको बताएंगे डिटेल में। पहला प्रिंसिपल ये है कि डायरिया शुरू होते ही बच्चे को ORS का घोल मिलना चाहिए, उसकी विधि बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करें। नंबर दो, अगर बच्चा जो भी खा पी रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है तो माँ का दूध चलता रहना चाहिए, खाना खा रहा है तो नॉर्मल खाना चलता रहे, खाना कम नहीं करना है, खाना कंटिन्यू करना है, दो बातें। तीसरा, जिंक की गोली शुरू करनी है क्योंकि डायरिया को
रोकने के लिए, उसकी ड्यूरेशन कम करने के लिए, और उसका न्यूट्रिशन पे प्रभाव ना पड़े, पोषण पे प्रभाव ना पड़े कि अंडर न्यूट्रिशन ना हो तो जिंक की गोली मिले। और चौथा प्रिंसिपल ये है कि अगर इतना डायरिया हो रहा है कि बच्चा सुस्त होना शुरू हो गया, उसके दस्त में खून आना शुरू हो गया है और बिल्कुल खा पी नहीं रहा है, ले नहीं पा रहा है, तो एकदम से डॉक्टर साहब के पास लेके जाना है। तो इस फेज में हम ये देखना चाह रहे हैं कि घर में बच्चे का इलाज हो और वो सीरियस दशा में ना पहुंचे। ये पहला प्रिंसिपल है जो आपको याद रखना होगा हमें जी। और ORS का आप जिक्र कर रहे हैं, तो किस तरह से उसको प्रिपेयर किया जाए और कैसे ये घोल तैयार किया जा सकता है? हमारे देश में ORS जो है वो WHO ORS है, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है, और इसको जो है हम एक पैकेट जो है वो 1 लीटर पानी के लिए होता है। 1 लीटर पानी का मतलब है कि ये जो गिलास है लगभग ये 250 ml, चौथा हिस्सा है लीटर का। तो मैंने इसमें 4 गिलास डाल दिए हैं, 1 लीटर पानी हो गया, या एक घरों में आजकल बॉटल अवेलेबल है, ये भी 1 लीटर की बॉटल है। इसमें हम ये पूरे का पूरा पैकेट जो है वो डाल देंगे और उसके बाद में इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। और ये जो पानी हमने लिया ये स्वच्छ होना चाहिए, पानी पीना हुआ होना चाहिए, और इसको शुरू करने से पहले हाथ धोने चाहिए ताकि इसी में खराबी ना हो। एक बार जो तैयार किया गया है घोल है, ये हम 1 दिन तक रख सकते हैं साफ जगह पे। अब देना कितना है, उसके लिए बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि जो बच्चा जितनी बारी दस्त करे उतनी बारी हमें उसको कंपनसेट करना है। तो 6 महीने से कम वाला जो बच्चा है उसको 10 या 15 चम्मच हमने देने हैं, या मान लो इस कप का चौथा हिस्सा देना है हर बारी, कोशिश करनी है, और बच्चा लेगा, क्योंकि वही कमी हुई उसी कमी को हम पूरा करेंगे। जो 1 से 2 साल का बच्चा है वो लगभग 100 ml के करीब लेगा, जो कि इसका आधा हिस्सा है 100 ml, और जो उसके बाद है तो हम कहेंगे 200 ml, जो कि कप के बराबर होता है। और जो जिंक की गोली है जो आज मिलती है सरकारी सिस्टम में और सब जगह मिलती है, ये जिंक की गोली ऐसे है कि बिल्कुल डिस्पर्सिबल है। ये इसको हम लेंगे और चम्मच में डालेंगे, ऊपर से थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो ये अपने आप ही ये घोल जैसा बन जाएगी, और इसको बच्चे को फिर हमें पी के देना है। और ये गोली 14 दिन तक चलेगी, 6 महीने के बाद पूरी गोली 14 दिन तक, 6 महीने से नीचे आधी गोली 14 दिन तक। तो 4 प्रिंसिपल, कमी ना हो इसके लिए ORS, और एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर घर में ORS नहीं है तो क्या देंगे, तो फिर हम घर में लस्सी, नींबू पानी, नारियल का पानी की बात हुई, शिकंजी, राइस वाटर, इन चीज़ों को दे सकते हैं। कार्बोनेटेड जो चीज़ें हैं ये सब है, वो नहीं देने हैं। ये जो चीज़ें हैं गोला जो है वो नहीं देने हैं, वो नुकसान कर सकते हैं इस दशा में। खाना चलता रहे, ब्रेस्ट फीडिंग चलती रहे, जिंक दी जाए, और डेंजर साइंस जिसकी मैंने बात करी है उनके ऊपर नजर रखी जाए, और अगर वो हो तो फिर हमें स्वास्थ्य कर्मी के पास। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण थी डॉक्टर रहेजा, एक तो पानी साफ होना चाहिए और हाथ धुले हुए होने चाहिए। दोनों ही बातों के लिए किस तरह से पानी को, किसी भी व्यक्ति के लिए ड्रिंकिंग वाटर को साफ किया जा सकता है, क्योंकि ROs भी अवेलेबल है, फिल्टर्स है, क्लोरिनेशन होती है, बॉइलिंग वाटर होता है, किस तरह का और कौन सी टेक्निक बेटर होगी और हाथ कैसे धोए जाए? सबसे जरूरी बात है कि जो पानी साफ पीना चाहिए, जो हमारे को सरकार की तरफ से पानी मिल रहा है उसका इस्तेमाल करें, हैंड पंप या कुएं का या जो जलाशय है गांव के अंदर उसका इस्तेमाल नहीं करने से बचना चाहिए, क्योंकि 70 से अधिक जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं। पहला तरीका है जो भी आप पानी ले रहे हैं अगर उसमें स्वच्छ करने के लिए उसको थोड़ी देर आप रख देंगे 4-6 घंटे, तो सेडिमेंटेशन से 90% से अधिक उसमें जो पार्टिकल है नीचे बैठ जाएंगे। फिर उसको आप सैंड फिल्टर आते हैं उसमें फिल्टर करके छानने के बाद उसमें जो बेस्ट तरीका है क्लोरीन की टेबलेट डाल सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि 1 बाल्टी पानी जिसमें कि 20 लीटर पानी है, 1 क्लोरीन की टेबलेट 0.5 ग्राम की, आधे ग्राम की डाल के अगर 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करते हैं तो ये पानी काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाता है पीने के लिए। एक्सेप्ट कि उसमें हेपेटाइटिस ए और ई का वायरस जो है वो कम मरते हैं, अगर बहुत ज़्यादा क्लोरीन डालें तभी मरते हैं, वो पोलियो का वायरस इसके लिए वो कारगर नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक जो उसमें वायरस बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। दूसरी चीज़ है उसके हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी वायरस और बैक्टीरिया इंस्टेंटली मर जाते हैं, वो भी हैं बाजार में, मशीनें अवेलेबल हैं। तीसरा है RO सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि बाजार में मिलता है लेकिन उसके लिए हमें हाई प्रेशर चाहिए और थोड़ा एक्सपेंसिव है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अगर आप फिल्टर किया हुआ पानी उसको 10 मिनट तक उबालते हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो भी पानी आप 10 मिनट तक खोलता रहना चाहिए बर्तन के अंदर, उसके अंदर ऑलमोस्ट सभी वायरस बैक्टीरिया सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसमें रेजिडुअल प्रोटेक्शन नहीं है, जिससे कि हम कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर उसको इस्तेमाल करना है, जिस बर्तन में उबाला उसी में रखना है, ऊपर से कोई भिगोना नहीं डालना, साइड से लेना है जी। तो ये पानी पीने के लिए सुरक्षित है जी।
जी, और दूसरा हाथ धोने का, हाथ कब कब धोने चाहिए, शौच जाने के बाद, जब भी हाथ गंदे हो, खाना खाने से पहले, और या किसी व्यक्ति से आप हाथ मिलाते हैं इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हाथ धोने का जो टेक्निक है, साबुन आप यहाँ पे लेंगे, इसको गोल गोल घुमाएंगे, उसके बाद बैक ऑफ द फिंगर को लॉक करके रब करना है आपने, फिर फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक करके रब करना है ताकि नाखून साफ हो जाएं। उसके बाद अंगूठे को रगड़ना है ऐसे ऐसे, ठीक है, और फिंगर्स को साफ करने के बाद रिस्ट को साफ करना है, और इसको पूरे हाथ को इंटरलॉक करके साफ करके रिंस कर लेना है। इसमें लगते हैं 15 या 20 सेकेंड। सबसे ज़रूरी बात है कि आपके जो नाखून है ये, और ये जो ये वाला हिस्सा है, ये साफ होना बहुत आवश्यक है। मैं फिर वही सवाल पूछूंगा डॉक्टर रहेजा, साबुन कौन सा, वही कीटाणु भगाने वाला या कोई भी साबुन? सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो भी साबुन है वो 15 या 20 सेकंड के अंदर वायरस या बैक्टीरिया नहीं मारता है। ये बेसिकली जितने भी वायरस हैं ये लिपिड बेस्ड एमल्सीफायर हैं, जो कि मैकेनिकली हमारे हाथ के ऊपर से मिट्टी को, डस्ट को, बैक्टीरिया को, वायरस को हटा देते हैं। देश में बहुत से लोग ऐसे भी जो मिट्टी से भी हाथ धोते हैं, नहीं, और राख से भी। नहीं, वो हम रिकमेंड नहीं करते, प्रेफरेबली तो जो साबुन है, हाँ। और उसमें भी मैं कहूंगा लिक्विड सोप बेटर होते हैं, चलिए, क्योंकि उसकी वजह से जो सोप टू सोप कंटेमिनेशन है उससे भी आप बच सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, बात छूट ना जाए क्योंकि बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इस मौसम में फ्लू की चर्चा जो अभी तक कार्यक्रम में नहीं हुई, हम जरूर चाहेंगे फ्लू को लेकर जो भी जानकारी आप देना चाहें दर्शकों को, जरूर बताइए कैसे बचें और क्यों पैनिक। पिछले कुछ महीने में सर्दियों में स्वाइन फ्लू का बड़ा डर था और काफ़ी केसेस भी हुए थे। अगर हम इंडिया में देखें या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में देखें तो स्वाइन फ्लू जो है उसके दो पीक्स होते हैं, एक पीक तो सर्दियों में होता है और दूसरा पीक बरसात के मौसम में होता है, क्योंकि देश में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। अगर हम पहले सोचें जो पैंडेमिक हुआ था 2009-2010 में, तो भी ज़्यादा केसेज जो थे वो मानसून के मंथ्स में ही हुए थे। इसलिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आप अपने हाथ रेगुलरली धोएं, क्योंकि वायरस जो है हाथ के माध्यम से एक से दूसरे को फैलता है। जुखाम नज़ला है, खांसी है, तो अपना खांसी जो है मुंह ढक के करें, जिससे वायरस हवा में ज़्यादा देर तक ना रहे और किसी और को फ्लू ना हो। बच्चे को अगर फीवर है और फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो घर पर रहें, उसको स्कूल ना भेजें, क्योंकि वो बच्चा जो है फिर सारी क्लास को फ्लू दे देगा और फिर सारी क्लास में ही सब लोग बीमार हो जाएंगे। तो ये अगर हम बेसिक प्रिवेंशन रखें तो फ्लू जो है उसके केसेस कम हो सकते हैं और उसकी जो है ट्रीटमेंट आराम से हो सकती है। जी, और फिलहाल हमारे साथ किरण जी हैं फोन लाइन पर, आपका स्वागत, क्या जानना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं कि बारिश के मौसम में किस तरह के खान पान का ध्यान रखें। दूसरा बात यह है कि बारिश के मौसम में ऐसा कोई बीमारी है जो पनप सकती है और जो आम नहीं है, और इससे कैसे बचे? जी, कौन सी बीमारियां होती हैं इस पर हमने पूरे कार्यक्रम में चर्चा की है। खान पान का जिक्र आप कर रहे हैं मिस्टर राव। किरण, आपसे हम डॉक्टर रहेजा से ये जान लें कि खान पान की जब बात आती है कि खाना रखा है घर में ही बना रहे हैं हालांकि, तो वहां पर क्या बातों का ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर होता है फ्रिज में खाना रख दिया है, शाम को खा लेंगे या कुछ समय बाद खाएंगे। डॉक्टर रहेजा, सबसे जरूरी बात है जो भी खाएं खाना है वो एकदम ताज़ा होना चाहिए। प्रेफरेबली आप जो भी खाना खाने जा रहे हैं उसको तभी कुक करिए और तभी खा लीजिए, क्योंकि इस मौसम में मैंने जैसे शुरू में बताया था वायरस बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। अगर खाने को आपने फ्रिज में भी रखा है तो फ्रिज में से उतना ही खाना निकालना है जितना आपने गर्म करके खाना है, और प्रेफरेबली विद इन 24 आवर्स। और जितना भी खुला हुआ खाना है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियाँ जो होती हैं मक्खियों से फैलती हैं, गंदगी से फैलती हैं, उसको ढक के रखें। और बाजार की जो है चाट पकौड़ी समोसे ये सब जो है ये सब अवॉइड करें। सभी को मना कर रहे हैं खाने के लिए, लोगों को ये बातें पसंद नहीं आएंगी। और पानी जैसे हमने शुरू में बताया स्वच्छ पिए जी, और प्रेफरेबली जो खाना खाएं जहां तक हो सके वो एकदम ताजा होना चाहिए। कोई भी अगर आप सब्जी या फल खाते हैं ताजा तो उसको अच्छे से धो के खाएं। पत्ते वाली सब्जियां मैं कहूंगा अगर उसको आप नमक वाले पानी में थोड़ी देर रख देते हैं 10 मिनट तक, तो उसमें काफ़ी हद तक उसके अंदर जो डस्ट है और जो बैक्टीरियाज हैं वो हट जाते हैं। तो और तीसरी बात है घरेलू ORS कैसे बनाएं, उसके लिए आप 1 लीटर पानी लीजिए, 4 चम्मच चीनी, आधा नींबू और आधा चम्मच नमक डाल के पियेंगे, तो ये घरेलू नुस्खा है जिसको कहते हैं घरेलू ORS, जो कि गांव के लिए इनके पास पैकेट में उपयोगी है। हाँ जी, एक छोटी सी बात और, इस मौसम में या किसी भी मौसम में जो लोग शादियों में या दावतों में जाते हैं वो सलाद और कटे हुए फल, आजकल स्टॉल्स लगे होते हैं, फल कट चुके होते हैं ना जाने कब,
और लोग सोचते हैं भाई देखिए हम तो सेहतमंद खाना खाते हैं, यही सब खाते हैं बस। प्रेफरेबली इस मौसम में कटा हुआ जैसे मैंने बताया फल सब्जियां अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप शादी में भी जा रहे हैं तो वही खाना खाएं जो अच्छे से पका हुआ है, क्योंकि होता क्या है यदि कोई भी खाना 10 या 15 मिनट तक हम उसको कुक कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे तो उसमें जितने भी वायरस बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाते हैं। जी, तो खाने के टेम्परेचर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अर्चना, अब दुर्गंध की तो हमने बात की लेकिन डीओज के सिलेक्शन को लेकर सभी को बहुत ज्यादा उलझन रहती है कि बॉडी स्प्रे, परफ्यूम्स, डीओज क्या इस्तेमाल करें और कैसे उनका सिलेक्शन किया जाए। जो डिओडोरेंट्स हैं उनका काम होता है वो एंटी परस्पिरेंट भी होते हैं, मतलब कि वो पसीना भी कम करते हैं, तो उसमें कुछ अल्कोहल बेस्ड स्प्रेज जो होते हैं वो मोस्टली अल्कोहल बेस्ड होते हैं जिनसे कईयों को कभी कुछ हल्की सी बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। लेकिन मार्केट में अगर आप सर्वे करेंगे तो बिना अल्कोहल बेस्ड के डिओडोरेंट्स भी हैं, तो उनको प्रेफरेबली, या रोल ऑन डिओडोरेंट्स भी होते हैं जिनको अल्कोहल स्प्रे से कुछ परेशानी होती क्या है। क्या उन्हें डायरेक्ट बॉडी पर लगाया जा सकता उनको है? क्योंकि कपड़ों के बाहर ही लगाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अदरवाइज उनसे एलर्जी होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। किसी भी तरह के डिओडोरेंट्स या परफ्यूम आप मैडम ये कह रही हैं कि अगर कपड़ों पे लगाएं तो ज्यादा अच्छा है बजाय उनको स्किन पे लगाएं, क्योंकि हर एक को एलर्जी नहीं है लेकिन जिसको एलर्जी है उसको परेशानी हो सकती है। और अब तक नहीं हुई लगाने से और इसका मतलब ये नहीं कि आगे कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये मैं हमेशा कहती हूँ। और कभी कभी सवाल जवाब बन जाते हैं, हमारे एक दर्शक हैं उन्होंने एक सवाल पूछा है जो खुद ही जवाब भी दिया है, वो ये लिखते हैं कि क्या ग्राउंड वाटर जो है अगर फिल्टर्ड ना हो, फिल्टरेशन प्रोसेस से ना गुजरा हो तो उसे पीना सेफ है कि नहीं है? खुद ही जवाब दे दिया, जाहिर सी बात है ग्राउंड वाटर है, फिल्टर्ड भी नहीं तो सेफ कैसे होगा? आप कुछ कह रही थी या एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि रिंगवॉर्म की बीमारी आजकल बहुत होती है जो कि उसमें, लेकिन अक्सर क्या होता है कि 90% से ज्यादा लोग उसके लिए जो दवा है वो डॉक्टर से नहीं बजाय कि केमिस्ट से लेकर आते हैं जिसमें स्टीरॉयड होता है, और स्टीरॉयड होने से वो बीमारी तो ज्यादा बढ़ी जाती है लेकिन वो बीमारी रेजिस्टेंट हो जाती है, मतलब वो ना ठीक होने वाली हो जाती है और वो बार 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 आती रहती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर एक दाद छत्ता जो है वो एक्जिमा नहीं है, वो इन्फेक्शन भी होता है, और अगर किसी भी इन्फेक्शन पे स्टीरॉयड की क्रीम लगाई जाएगी जो कि लोग अक्सर मार्केट में किसी भी केमिस्ट के पास ले लेते हैं तो उनसे वो बीमारी जो है वो काफी खराब हो जाती है। जी, और वो लोग जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है उनको भी क्या कुछ खास ख्याल रखने की जरूरत है? जिनको सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव स्किन है उनको थोड़ा मेकअप का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा खुशबू वाले पदार्थ जो है उनको नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, खुशबू वाला तेल या खुशबू वाले वो चीजों से उनको अवॉइड करना। एक छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आपसे चाहूंगा उसके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़े, वो ये कि चूंकि इस मौसम में बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, लोग खुद अपने आप से दवा बहुत ज्यादा लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे हमने कहा कि कई चीज़ें हैं जो सीरियस हो सकती हैं, कई बीमारियां हैं सेल्फ लिमिटिंग होती हैं जी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर वार्निंग साइंस हों, चाहे वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के हों, डेंगू के हों, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर से ही सलाह लेके डॉक्टर के पास आने में देर न करें। बिल्कुल जी, और इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 580 का सवाल था कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि किस योग के अंग हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, अष्टांग योग के अंग हैं ये सभी। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये जानने से पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि बरसात के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए इनमें से कौन सी सावधानी रखना जरूरी है। ऑप्शन ए, खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोना। ऑप्शन बी, बाजार के कटे फल सब्जियों से परहेज। ऑप्शन सी, पानी उबालकर पीना। या फिर ऑप्शन डी, ये सभी। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealthddnews@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 580 के लकी विनर, ये हमें बताने वाली हैं डॉक्टर अर्चना सिंगल, जिनके सामने सारी करेक्ट एंट्रीज मौजूद हैं। डॉक्टर अर्चना, इन सभी करेक्ट एंट्रीज में से आज के लकी विनर कौन है, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। और आज की लकी विनर है गौरी यादव फ्रॉम मेरठ। गौरी यादव मेरठ, इन्हें बहुत बधाई। और अब शुरू करते हैं रैपिड फायर। पहला सवाल डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आपको, तेज बुखार और कंपकपी मलेरिया के लक्षण हैं? हो सकते हैं।
डॉक्टर रहेजा, मलेरिया का संक्रमण फ्लू की तरह हवा के माध्यम से फैल सकता है, मच्छर से फैलता है, एनोफिलीज से। डॉक्टर अर्चना, बरसात के मौसम में बाल ज्यादा झड़ते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर पॉल, नवजात शिशु में डायरिया एक इमरजेंसी यानी गंभीर स्थिति बन सकता है। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। डॉक्टर गुलेरिया, डेंगू एक बार होने के बाद व्यक्ति हमेशा के लिए उससे इम्यून यानी सुरक्षित हो जाता है। नहीं, ये सही नहीं है, डेंगू फिर बार बार भी हो सकता है। डॉक्टर रहेजा, डेंगू के हर रोगी को प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता होती है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। डॉक्टर अर्चना, यदि बालों में ज्यादा तेल लगाएं तो डैंड्रफ और बालों के रूखेपन से बच सकते हैं? नहीं लगाना चाहिए, डैंड्रफ ज्यादा हो जाती है। डॉक्टर पॉल, डायरिया होने पर शिशु को स्तनपान कराना बंद नहीं करना चाहिए? सही बात है, स्तनपान चलता रहना चाहिए, बचाएगा बच्चे को। डॉक्टर गुलेरिया, वायरल फीवर हो, डेंगू या मलेरिया, हर बुखार में एंटीबायोटिक से लाभ होगा? बिल्कुल नहीं, एंटीबायोटिक वायरल फीवर के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। डॉक्टर रहेजा, कितने समय तक बुखार न उतरे तो जांच करवाएं? 3 या 4 दिन, डॉक्टर से मिलें, वो बैटरी ऑफ टेस्ट है, डिसाइड करेंगे क्या कराना है। डॉक्टर अर्चना, इस मौसम में सनस्क्रीन लोशन की तो जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि अक्सर तो बादल छाए रहते हैं। नहीं, बादल की वजह के बावजूद भी सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है क्योंकि यूवीए जो किरणें हैं वो बादलों के थ्रू भी आ जाती हैं। डॉक्टर पॉल, बच्चे को बुखार हो तो बड़ों की बुखार की दवा कुछ कम मात्रा में देना ही काफी है? अपने आप नहीं, ये करना है, उस मात्रा का जो अमाउंट है वो बताया जाएगा स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा। डॉक्टर गुलेरिया, पीलिया हेपेटाइटिस का एक मुख्य लक्षण है? एक लक्षण है पीलिया हेपेटाइटिस। डॉक्टर रहेजा, हेपेटाइटिस ए और ई दोनों के लक्षण और इनका इलाज एक जैसा ही होता है क्योंकि दोनों हेपेटाइटिस हैं? बिल्कुल, इसके लिए कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है जी। डॉक्टर अर्चना, पसीने की दुर्गंध को दूर कैसे करें? पसीना कम आए ऐसी स्थिति करें कि और सूती कपड़े पहने, खुले कपड़े पहने और डिओड्रेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर पॉल, यदि बच्चा बारिश में भीग जाए तो क्या किया जाए, क्या सावधानी रखें? बच्चे को पहले स्वच्छ पानी से नहलाएं ताकि उसके ऊपर अगर दूषित पानी का प्रभाव है तो वो साफ हो जाए, उसको ड्राई करें, सुखाएं और साफ सुथरे कपड़े पहना के अंदर रखें जी। डॉक्टर गुलेरिया, बरसात में कटे फल और सलाद तो नहीं खाना है लेकिन गन्ने का रस तो इस मौसम में बड़ा फायदेमंद हो सकता है? नहीं, गन्ने का रस जो है अगर वो ठीक से बनाया नहीं गया है तो उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। डॉक्टर रहेजा, बचा हुआ खाना फ्रिज में अगर रख दिया जाए तो कुछ देर बाद और कई घंटों बाद भी खाना सेफ होगा? कुछ घंटों के अंदर एक ही बार गर्म करके खाना है, दोबारा उसको गर्म नहीं करना है। डॉक्टर अर्चना, खुजली या फंगल इन्फेक्शन हो तो राहत कैसे मिले? एंटी फंगल ट्रीटमेंट लें, ना कि स्टीरॉयड, स्टीरॉयड बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। डॉक्टर पॉल, बच्चे के साथ कई घंटों की यात्रा करनी हो तो उनका मिल्क कैरी करने के लिए दूध को लेकर क्या सावधानी रखी जाए? साफ सुथरा होना चाहिए जिस बर्तन में हम ले जा रहे हैं, हो सके तो ठंडा हो, थर्मस में हो, और जब इस्तेमाल करें तो देख लें कि उसमें कोई दुर्गंध वगैरह तो नहीं आ रही। डॉक्टर गुलेरिया, पीने के पानी को सुरक्षित कैसे बनाएं? पीने के पानी को जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, सुरक्षित बनाने की कई वेज हैं, उसको उबाल सकते हैं, उसमें क्लोरीन की गोली भी डाल सकते हैं या फिल्टर यूज कर सकते हैं जी। डॉक्टर पॉल, आखिरी राउंड आपसे, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन क्या कुछ कामयाब हो सकती है इस मौसम में भी? कोई स्पेशल वैक्सीन नहीं है, सब बच्चों को जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं, पर्टिकुलरली आप 7 वैक्सीन की बात हो रही है मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत, लेकिन ये याद रहे कि बहुत जल्द ही हमारी सरकार जो है डायरिया के अगेंस्ट भी एक वैक्सीन है, रोटावायरस वैक्सीन कहते हैं, इस साल उसकी भी शुरुआत हो जाएगी तो आगे और बचाव होगा। डॉक्टर अर्चना सिंगल, बरसात में त्वचा चमकदार रहे, चमकती रहे और समस्याएं ना हो, क्या करें इसके लिए? साफ सुथरा रहें, नहाएं और सूती कपड़ा पहनें, अच्छे से त्वचा को सूखा करें नहाने के बाद, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर रहेजा, मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए क्या किया जाए? सबसे जरूरी बात है अपने घर को स्वच्छ रखें, घर के अंदर कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, घर के आसपास मोहल्ले में हफ्ते में एक दिन ड्राई डे मनाएं, जिससे कि आप जिसमें आपने घर के अंदर जो भी फ्रिज के अंदर नीचे पानी है, बॉटल के अंदर पानी है, पक्षियों का पानी है, उसको अच्छे से कूलर का पानी साफ हटा के साफ करके दोबारा उसको जी। ड्राई डे की नई परिभाषा डॉक्टर गुलेरिया। ये बताइए, बरसात के मौसम में क्या सेहतमंद रहा जा सकता है? बिल्कुल, बरसात का मौसम ऐसे है जिसमें सेहत भी रह सकती है और आप
उसका लुत्फ भी ले सकते हैं बरसात का। जी बहुत विस्तार से आप सभी ने जानकारी दी है, बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे तमाम पैनलिस्ट का इस जानकारी के लिए। तो विशेषज्ञों ने सावधानियां बता दी हैं, बहुत जरूरी है इन सावधानियों का आप ध्यान रखें, पालन करें। और कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ कि बरसात का मौसम जो है बीमारियों का मौसम नहीं है, इस मौसम में भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और किसी भी मौसम का आनंद लेने के लिए मन बहुत जरूरी है, तो मन से बरसात का आनंद लीजिए और जो जानकारी विशेषज्ञों ने दी है उसका लाभ उठाइए और सेहतमंद रहिए। अगले सप्ताह में और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।